हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आज यहाँ पे सिखाएंगे कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। पहले मीनिंग समझाएंगे, फिर एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू यहाँ पे लिखेंगे बेसिक, फिर यहाँ पे लिखेंगे जॉब और यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस। तो पूरा मीनिंग सिखा देंगे और उसके बाद उसको हम लोग डिटेल में ये कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप जॉब कॉस्टिंग का शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग भी लिख सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो प्लीज कंसीडरिंग सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग रिफर्स टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर वेयर वर्क इज परफॉर्म एज पर द क्लाइंट या तो कस्टमर इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, मैं यहाँ पे तीन चार एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि ये फंडा जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मान लो कि आप CA बन गए या आप कोई बड़ी पोस्ट पे हो, तो आपका विजिटिंग कार्ड छपवाने का आप मुझे ऑर्डर दोगे। अब सिंगल कलर में होगा तो अलग भाव है, डबल कलर में होगा तो अलग भाव है, मल्टीपल कलर में अलग भाव है, तो ये ऐसे ऐसे सबकी प्राइस डिफरेंट होती है। या मान लो कि आपका मैरिज हो गया या मैरिज होने वाला है और आप मेरे को कैटरर्स का काम दे रहे हो, बोले यार यहाँ पे साउथ इंडियन ही लगाना है तो ये भाव है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को मिक्स लगाना है ये भाव है, एंड सो ऑन। सो द कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन द क्लाइंट या तो क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। और सबसे पहले ये तो क्लास में हर बार मैं बोलता हूँ कि आप एक अपनी बाइक लेके मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक को बोला कि भाई सर्विस कर दे, तो वो बोलेगा 500 रुपया, सर्विस के साथ साथ ऑयल भी चेंज कर ले तो वो बोलेगा 700 रुपया। तो ये जो हो जाती है दैट इज जॉब कॉस्टिंग। द जॉब इज या तो कॉस्टिंग इज ऑन द क्लाइंट या तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसके हिसाब से है। लेकिन दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है ना दैट इज डिफरेंट। अ कॉस्टिंग मेथड इन विच द कॉस्ट विच आर चार्ज टू वेरियस प्रोसेस एंड ऑपरेशन इज एसर्टेन एंड इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पे तो दोस्तों ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोसेस से जाता है। जैसे अगर मैं खड्डा खोदूंगा वहां से मैं क्रूड ऑयल बाहर निकालूंगा, जो क्रूड ऑयल बाहर निकलेगा वो बहुत ही काला घना और बहुत ही गंदा होगा जो हमारे पेट्रोलियम में नहीं यूज होता। तो वो क्रूड ऑयल जो है वो पहले एक प्रोसेस से पास होगा, छे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल देते हैं कि छन्नी वाले प्रोसेस से पास होगा, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल निकलेगा, फिर वहाँ से कुछ हम लोग पेट्रोल अलग साइड में करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा केरोसिन साइड में करेंगे, हो सकता है कि जो बचा हुआ है जो कुछ काम का नहीं है उसको हम लोग वो रोड पे डाल देंगे। तो जो पेट्रोलियम है दैट पासिस फ्रॉम वन प्रोसेस टू प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस, तो हम हर एक प्रोसेस का जो कॉस्टिंग होता है वो कर लेते हैं। क्लास में कभी कभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि गन्ने का जूस अगर आपको पीना है तो गन्ना जो होता है वो नहीं पीते, गन्ना जाएगा उसके अंदर वो पूरा क्रश होगा और सेकंड में फाइनल प्रोसेस आ जाता है। तो हमें वो प्रोसेस का कॉस्टिंग करना, उसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है नेचर। तो ये नेचर कैसा हो जाता है कि भाई वो कस्टमाइज होता है, जैसा आपको काम करवाना ऐसा आपका कॉस्ट होगा, सस्ता महंगा ज्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्रोसेस जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है कि भाई ऐसा होगा ही, आप ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए अलग से पेट्रोल निकाल के दे, मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। मीनिंग अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत फायदा आपको हो जाएगा। उसके बाद आगे जाते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट कितना कब किसको देना, मतलब हर एक जॉब पे वो डिफरेंट होता है। जबकि यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर द प्रोसेस, फिर वो जो कॉस्ट होता है जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ उस पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हर बार गिनना पड़ता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर क्या हो जाता है, अब ये जॉब का होगा तो ये जॉब का है, ये प्रोसेस का होगा तो ये प्रोसेस का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि भाई स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। देखो, कॉस्ट रिडक्शन जॉब में बहुत कम गुंजाइश है, बिकॉज मैं बोलूंगा तो आप करोगे तो भाव कम नहीं होगा, फिक्स नहीं है, मेरे हिसाब से है। तो यहाँ पे गुंजाइश बस ऊंची कम होती है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, हम इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट कट कर सकते हैं, हम एक प्रोसेस जो है जो नहीं इतना वर्थ वाइल उसको हटा सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ट्रांसफर ऑफ द कॉस्ट, ये ट्रांसफर कैसे नहीं होता है, मेरा कॉस्ट
मेरी बाइक मुझे ही देनी पड़ेगा पैसा, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जबकि ये जो हो जाता है दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। तो ये एक चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब यार जॉब पोस्टिंग में आइडेंटिटी तो रहने ही वाली है, बिकॉज मैंने ही ये करवाया है तो ये मेरा ही खर्चा है। ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वेयर एज ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर कॉन्सिक्वेंटली। सो आइडेंटिटी जो होती है, गन्ने का जूस होगा गन्ना गया, ठीक है, क्रूड गया पेट्रोल आ गया, तो आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल से बड़े ईजी से आप समझ जाते हो। उसके बाद कॉस्ट एसरटेनमेंट। अब कॉस्ट डिटरमाइन करना, एसरटेन करना, वो तो जॉब जब पूरी होगी तभी वो अपना बिल बनाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ अ कॉस्टिंग पीरियड, सालाना 6 महीना, तो आप बना सकते हो। अब आगे इंडस्ट्रियल टाइप कौन सी हो जाती है, ये बड़ा सिंपल है। जॉब कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर द इंडस्ट्री जहाँ पे कस्टमर भगवान है और यहाँ पे प्रोसेस भगवान है। बाजू वाले में क्या हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग प्रेफर फॉर इंडस्ट्री वेयर मास प्रोडक्शन जो करना है तो वहाँ पे उसके लिए हो जाता है। और अब बस एक लास्ट क्या लिखा है, लॉस या लॉसेस यार यूजुअली नॉट सेग्रीगेटेड, तेरे लिए था तो तुझे ही बेयर करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस जो होते हैं, जैसे पानी का टंकर में थोड़ा सा पानी निकल जाना, सीमेंट की बोरी यहाँ से वहाँ करना तो निकल जाना, नॉर्मल लॉस जो होते हैं वो आर केयरफुली एसर्टेन। और एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो रीजंस देखते हैं किसके लिए हुआ है, प्रोडक्ट के लिए हुआ है या प्रोसेस के लिए है। अगर प्रोसेस के लिए है तो उसको वहाँ पे चार्ज कर देते हैं। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। सो प्लीज कंसीडरिंग सब्सक्राइबिंग अवर चैनल प्रणव क्लासेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।